हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दो आइडिया, बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। और अगर आपको हमारे आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर करना और वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला आइडिया है हमारा ये। तो देखिए, मैंने पुराने कार्डबोर्ड ले लिए हैं, मतलब कि कार्ड ले लिया है शादी का पुराना, पहले का रखा हुआ है। और देखिए, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको कस्टा चाहिए इस तरीके का। और इसमें जो मोटा वाला कस्टा लगा हुआ है, हम उसको निकालेंगे, इसका ही यूज होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे हम 6 इंच की लंबाई में निशान लगा लेंगे और 5 इंच की चौड़ाई में निशान लगाएंगे। तो 5x6 का हम ये पीस यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए, मैंने ये 5x6 का ये पीस कट कर दिया। अब इसके बराबर हम एक और पीस कट कर लेंगे। तो ये मैंने 2 पीस कट कर लिए। इसे हमें आपस में चिपका देना है, मतलब कि ये मोटा कर देना है, इस तरीके से मोटा हो जाएगा। और अब मैं एक और पीस कट कर लेती हूँ। अब इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच की रखने वाली हूँ यहाँ से। तो देखिए, 4 इंच रखने के बाद में ये मैंने कट कर लिया। अब यहाँ से हम 20 सेंटर में निशान लगाएंगे, मतलब कि 6 इंच का है तो 3 इंच पे यहाँ से हम, देखिए यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये 2 इंच का नीचे निशान लगाते हुए हमने इस तरीके से शेप दे दिया। और शेप देने के बाद में आपको कोई भी फॉर्म पड़ी हो वो आपको ले लेनी है और इसके बराबर देखिए निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में इसको कट कर लेना है इसके बराबर, जो हमने कस्टा कट किया हुआ था 5x6 इंच वाला उसके बराबर। और एक फॉर्म हमने 4x6 का जो कस्टा कट किया था उसके बराबर हमने फॉर्म कट कर ली। अब हमने ये कपड़ा लिया है। अब देखिए, यहाँ से आपको करीब 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है चारों साइड से। तो देखिए, मैंने चारों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए दोनों पार्टों का कपड़ा कट कर लिया है। अब आपको फेविकॉल लेना है, मतलब कि कोई भी चीज़ ले सकते हो जिससे कि ये चिपक जाए। तो मैंने फेविकॉल लिया है, इसको इस तरीके से चिपका दिया दोनों साइड से। अब जो बाकी की साइड है उनको भी आपको चिपका देना अच्छी तरीके से। तो देखिए, हमने ये चिपका दिया दोनों साइडों से, मतलब कि दोनों को हमने इस तरीके से रेडी कर दिया। अब आपको देखिए, ग्लूगन की सहायता से ऊपर से कोई भी कस्टा इस तरीके से चिपका देना है। ग्लूगन से चिपका सकते हो या फिर आप फेविकोल से भी चिपका सकते हो। तो मैं अर्जेंट चिपकाने की वजह से, ताकि आपको जल्दी जल्दी दिखा सकूं, इसीलिए मैंने ग्लूगन से इसको चिपका दिया है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी मैंने देखिए सेम तरीके से चिपका दिया है। तो दोनों को ही हम सेम तरीके से रेडी करते जा रहे हैं, केवल शेप हमने अलग अलग दिया है। अब मैंने रील के 2 गिट्टे लिए, जो कि रील खाली रील के निकलते हैं वो, इसके बराबर की मैंने फॉर्म कट कर ली इस तरीके से। अब देखिए, हम फॉर्म लेंगे और एक और पीस लिया मैंने कपड़े का और इसके बराबर मैंने कट कर लिया। अब इसको हमें देखिए यहाँ से ग्लूगन लगा लेनी है, या फिर फेविकॉल का भी यूज कर सकते हो आप इस यहाँ पर, लेकिन ग्लूगन से अर्जेंट चिपक जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर चिपका देना है इसको, और आगे की साइड से इसको फोल्ड करते हुए फिर से चिपका देना है। यहाँ पर आप स्टोन वगैरह कुछ भी लगा सकते हो आगे की साइड में। तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है। मैंने छोटे छोटे लेस के टुकड़े लिए, इस तरीके से राउंड में इस लेस को देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया आगे की साइड में। आप बीच में भी लगा सकती हो। तो देखिए, मैं एक और लगा रही हूँ इसमें, तो आप एक जगह भी लगा सकते हो या फिर 2 जगह। तो दोनों को मैंने सेम तरीके से रेडी कर लिया। अब एक और लेस ली मैंने इस तरीके से पूरे में, मैं इसको जो हमारा पट्टा है नीचे वाला उसको हम चिपका देंगे, लेस को चिपका देंगे पट्टे के ऊपर चारों साइड से। तो देखिए, पीछे की साइड थोड़ी सी मैंने छोड़ी हुई है, क्योंकि ये हमारा पान शेप में जो है वो आ जाएगा, इसीलिए मैंने हिस्सा छोड़ दिया है पीछे वाला। अब जो हमारा ये वाला हिस्सा है उस पर भी हमें केवल नीचे वाला हिस्सा छोड़ देना है, बाकी साइड में आपको इसे चिपका देना है लेस को। तो इस तरीके से ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम पीछे की साइड से यहाँ पे इसे चिपका देंगे ग्लू गन की सहायता से। तो देखिए, इसको हमने इस तरीके से चिपका दिया है और इसे आप अच्छे से ग्लूगन लगा दीजिए तो ये चिपक जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा जो हमने राउंड में रील वाला हिस्सा रेडी किया था उसको भी हमें यहाँ पे चिपका देना है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा सोफा बनके रेडी हो जाएगा लड्डू गोपाल जी के लिए। यहाँ से हम ग्लूगन अच्छी तरीके से लगा देंगे ताकि ये छूटे ना बार बार पर।
और यहाँ पे आप स्टोन वगैरह जो भी आपके पास हो वो आप लगा सकते हो इसको और भी ज़्यादा प्यारा सा लुक देने के लिए। तो देखिए मैं इधर साइड में थोड़ा बहुत स्टोन वगैरह चिपका देती हूँ, ये बड़ा बना मैंने लगा दिया, ये हमारा सोफ़ा बन के रेडी हो गया। और गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला आइडिया आप लोग को कैसा लगा, बहुत ही प्यारा सा आइडिया है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और बिना किसी खर्चे के बन जाता है जो भी हमारे पास वेस्ट सामान पड़ा हो उससे ही। अब चलिए अगला आइडिया है हमारा ये। तो देखिए मैंने ये कपड़ा लिया छोटे छोटे छोटे, आप कोई भी ले सकते हो। तो देखिए मैंने 3 इंच चौड़ाई करीब 3-3.5 इंच आप ले सकते हो, इसको मैंने इस तरीके से शॉल्डर फोल्ड करके आलपिन से सेट कर दिया। अब ऊपर से हम जो एक्स्ट्रा पहले उसको कट कर देते हैं। यहाँ से हम देखिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ से मैंने ये 3 इंच का निशान लगा दिया, तो 3x3 का ये हमारा हो जाएगा। वैसे यहाँ से हम देखिए 1 इंच का लगाएंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच का लगाएंगे, ये वाला निशान 1.5 और 1 इंच वाले निशान को इस तरीके से मिला देना है, तो ये पैंटी वाला शेप हो जाएगा कुछ। तो हम ठाकुर जी के लिए बनाने वाले हैं पैंटी, छोटी छोटी पैंटी, आप इसे 1 नंबर के ठाकुर जी के या 2 नंबर के ठाकुर जी के पहना सकते हो। अब देखिए मैंने 3-3.5 इंच की ये इलास्टिक ली और 2-2 इंच की मैंने 2 इलास्टिक और ले ली। अब देखिए इस तरीके से हम पहले नीचे की साइड से इसको सिल देते हैं, ऊपर से एक और सिलाई लगा देते हैं। सिलाई लगाने के बाद में हम इलास्टिक लेंगे और जो नीचे का जो पैर वाला हिस्सा है उसको हम पकड़ेंगे साथ में, इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। तो आपको इलास्टिक को खींचते जाना है, तो इतना खींचना है कि जो हमारा जो नीचे पैर वाला हिस्सा है वो पूरा आ जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने खींचते हुए इलास्टिक वाले हिस्से को और जो कपड़ा वाला हिस्सा है उसको बराबर लेते हुए सिल दिया। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड में भी इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इलास्टिक को खींचना है, कपड़े को ऊपर रखना है और पूरे को खींचते हुए सिल देना है इलास्टिक को। तो इस तरीके से ये पैर वाला हिस्सा रेडी हो जाएगा। अब चलिए जो ऊपर कमर वाला हिस्सा है हम उसको भी रेडी कर लेते हैं इस तरीके से। अब पहले हम एक साइड से इसको सिल देते हैं, एक साइड से सिलने के बाद में हम इसे बनाएंगे, ऊपर की साइड में इलास्टिक को लगाएंगे। अब देखिए एक साइड से मैंने इसको सिल दिया। अब जो हमने 3-3.5 इंच की जो इलास्टिक ली है, आप 3 इंच की ले सकते हो इलास्टिक लिए, उसको आपको इस तरीके से कपड़ा ऊपर से फोल्ड करते जाना है, इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इलास्टिक को आपको इतना खींचना है कि आपका जो कपड़ा है वो बराबर, इलास्टिक और कपड़ा दोनों बराबर आ जाए। अब देखिए हमने इसको कर दिया और जो साइड से एक हिस्सा रह गया है उसको भी आपको सिल देना है। इस तरीके से हमारी बहुत ही प्यारी सी पैंटी बन के रेडी हो जाएगी। और भी मैंने देखी पैंटी बनाई है, वो भी आप लोग को अभी दिखाऊंगी। और गाइज कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।